धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे, मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है प्राकृतिक खेती, और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, यत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा, दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। हम धरती माता की पूजा करते हैं, मां मानते हैं, आज परंपरा भले खत्म हो गई हो लेकिन उठने के पहले धरती माँ की पूजन करते, स्पर्श करके माथे से लगाते। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मच्छेंद्री माता की पूजन करते, बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेले रख के वो बनाते थे और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे, और अपनी भाषा में कहते थे पोर में पानी हर बोलो। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गई, माँ का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता रह गया। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल सब्जी अनाज कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने कहा अपने कहा गया है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पर असर नहीं होता, शरीर पर तो होता ही है, उसका मन पे मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। और एक और प्रयोगशाला बनेगी, हमारे कृषि विश्वविद्यालय योगी जी बता रहे थे, एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि के लिए विश्वविद्यालय के रूप में ही बनाएंगे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे, ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए, और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, भावी दूसरों को सिखाएंगे, जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और प्रशिक्षण के साथ साथ एक बात और आती है कि जीवामृत, घनामृत, बाकी चीज़ें हर एक किसान बनाए, उसमें उनको दिक्कत होती है, ये बना बनाया मिलने लगे कुछ केंद्रों पर, जो किसान चाहे वो बनाए, लेकिन साइंटिस्ट हैं ऐसे हमारे जो ये प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अगर मेरी आधा एकड़ जमीन है तो मैं कहाँ अकेला, तो ये प्रयोग भी किए जा सकते हैं कि इसके सेंटर ही बन जाए, जहाँ बन रहा है जीवामृत घनामृत लाए और अपना डाला और अपनी खेती करना शुरू कर दी। इस तरह के कई प्रयोग होंगे, तो इस तरह के केंद्र भी बन जाए कुछ। जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है, तो तीन साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डाले। हम केमिकल फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी दे रहे, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है, और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में की और मैं सफल हो गया, तो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही, तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का, और जो हम करना चाहते हैं रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए, उत्पादन की लागत घटे, और उसके कारण मनुष्य को जो खाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक आहार मिले वो अमृत के तुल्य हो, और इसी से आनंद, प्रसन्नता और सुख की लहर आएगी। हाँ, जो प्राकृतिक खेती का उत्पाद होगा उसके सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था सोचें, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे कैसे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है। और ये बात पक्की है, आप सब जानते हैं कि जागरूकता इतनी हो गई है कि लोगों को पता चला कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं है,
तो लोग वो डेढ़ गुने दामों में खरीद लेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही, इसलिए जितनी आवश्यक व्यवस्था है सब करने का प्रयत्न करेंगे।